फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन पे आज एटीएम होना है। आज 1 मई 2023 और आज एटीएम का फर्स्ट डे है अरबियन ट्रेवल मार्केट, जो कि मेरा आने का जो मकसद था मैं दुबई में, वो आज मैं अटेंड करने कन्वेंशन सेंटर दुबई पहुंच गया हूं। तो थोड़ी देर में अंदर में हॉल में भी एंटर हो जाऊंगा। अभी ये एंट्रेंस है, यहाँ से ये लोग एंटर हो रहे हैं, ये पीछे के जो नज़र आ रहे हैं लोग आ रहे हैं अंदर, और ये यहाँ पे लगा हुआ है वेलकम बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये जो एग्जीबिशन है इसको है एक्चुअली ये कन्वेंशन सेंटर में साल में एक दफ़ा ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट कंपनीज आती है, ट्रैवल एजेंसीज, होटल्स एंड टूर्स कंपनीज, एयरलाइंस कंपनीज, मतलब जो भी रिलेटेड है वो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो हम भी एज ए ट्रैवल एजेंट्स इसमें हर साल तकरीबन हम इसमें शिरकत करते हैं, और इसमें नए हम कंपनीज के साथ हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, हम आगे उनके साथ फिर अपना एक एग्रीमेंट करके एक वर्किंग रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रैवल एजेंट्स के लिए। जो लोग अभी तक इसमें नहीं आए, जो ट्रैवल एजेंट्स हजरात, उनके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें आके वो वर्ल्ड वाइड कंपनीज के साथ कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और यहाँ पे वो अपना एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता है इस प्लेटफॉर्म से। तो ये अरबियन ट्रैवल मार्केट, इसमें अब ये 4 दिन होना है, 4 दिन ये चलेगा, और इसमें 4 दिन में मैं शिरकत करूँगा, और अपना जो भी मेरा वो है रिलेटेड अपना मेरा एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक मैं यहाँ पे कंपनीज़ के साथ अपना एक वर्किंग रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ूँगा। लास्ट टाइम भी मैं आया था 2019 में, तो उस वक्त उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो 2 साल ये नहीं हुआ था। तो इस साल ये पूरा धूमधाम से दोबारा ये एटीएम यहाँ पे दुबई में हो रहा है। यहाँ पे जो कन्वेंशन सेंटर है दुबई में, इसमें सिर्फ एटीएम नहीं, बाकी भी काफ़ी एग्जिबिशन इसमें अभी भी एट अ टाइम 2-3 एग्जिबिशन यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन जो ये एटीएम है हमारा, तो मेन इसी में, क्योंकि फील्ड हमारा यही है, तो हमने इसी में हमने हॉल में जाना है जहाँ पे ये एटीएम है। ये यहाँ पर भी ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, जो भी तक रजिस्टर्ड नहीं है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एटीएम के लिए। यहाँ एंट्री के लिए ये है कि पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है वेबसाइट में, फिर वो एक बेज मिल जाता है, वो बेज फिर अपने साथ ला के यहाँ पे हॉल में फिर उसके थ्रू उसके ज़रिए एंटर हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको आगे देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ बहुत ज़बरदस्त ये बने हुए हॉल्स, और इसकी एंट्रेंस में ये जाते हुए ये काफ़ी रास्ते में होटल्स, और ये है वही एटीएम के लिए जो बाहर काउंटर्स बने हुए हैं जिसमें लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अपना बेज वसूल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये वही अरबियन ट्रैवल मार्केट, और यहाँ पे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके, और फिर यहाँ ये बेज भी दे देते हैं, उसमें उसके थ्रू फिर एंट्री होती है अंदर। मैं यहाँ से हॉल नंबर 5 में एंटर हो गया हूँ, और ये अंदर का एरियाज है। इसमें ये जिस तरह ये सबसे पहले ये इनक्रेडिबल इंडिया, इंडिया में किसी कंपनी का ये स्टॉल है, इस तरह हर कंट्री का तकरीबन यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो हम जाके देखेंगे, अब एक एक को देख के विज़िट करेंगे, जो हमारे से रिलेटेड जिसमें हम इंटरेस्ट है उनके साथ फिर हम बातचीत करेंगे आगे अपना बिज़नेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए।
इसमें सबसे पहले यहाँ पे मालदीव्स की एक कंपनी है टूरिस्ट, उसी स्टॉल पे जाके वहाँ पे एक इनका फॉर्म था वो फिल करके अपना डिटेल सबमिट करके इनकी तरफ से एक गिफ्ट मिल गया जिसमें मालदीव के हवाले से ये डायरीज और कुछ स्टेशनरी बॉल्स ये चीज़ें इसमें पड़ी हुई। ये एटीएम में दुबई रूलर्स शेख मोहम्मद वो अभी विज़िट कर रहे हैं इस वक्त और सारा उनके साथ स्टाफ है वो यहाँ पे मौजूद है लोगों के दरमियान, जो कि हमारे हुक्मरान नहीं जा सकते इस तरह पब्लिक प्लेसेस पे, तो यहाँ पे इतना सिक्योर है। सामने से आ रहे हैं और ये ग्रेट लीडर, बड़े लीडरों की निशानी है कि ऊपर भी प्लेस में जाने से घबराते नहीं है। सारा जो एरिया है एटीएम में ये हॉल के अंदर ये दुबई के लिए है, सारा दुबई यहाँ पे, जिस तरह दुबई रियल में जिस तरह है उसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है और इनके हुक्मरान शेख मोहम्मद इस वक्त विज़िट कर रहे हैं इन स्टॉल्स की, अपने ये जो दुबई के लिए जो एरिया रिजर्व है उसमें वो वॉक कर रहे हैं और साथ इनका अमला भी है, स्टाफ भी है, बहुत बहादुरी के साथ और एवरीवेयर ही गोज इन एंड स्टॉल पे जाके वहाँ पे लोग उनके साथ फोटोग्राफी करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। मलेशिया का स्टॉल है, I would like to invite the Deputy Minister and all the VIPs to please come to the front of the stage.
to enjoy a video presentation from Malacca. बार पाकिस्तान का भी एक लगा हुआ है स्टॉल और ये अच्छी बात है। मुख्तलिफ स्टॉल पे मैंने विज़िट किया और अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात ये जापान के एक टूरिज़म कंपनी के साथ, इनसे पूरा डिटेल लिया है कि जापान का वीज़ा एक मसला है टूरिस्ट के लिए पाकिस्तान से, लिहाजा इन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया वीज़ास के बारे में और इनका टूरिस्ट को बहुत वेलकम करते हैं ये जापान वाले। और इन्होंने मुझे एक बात और बताई कि अगर दुबई रेजिडेंट्स है जो दुबई में परमानेंट है तो आप उनको ई वीज़ा दे सकते हैं, क्योंकि दुबई से काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि जापान जाने में इंटरेस्टेड है। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली है और इन्होंने मुझे ये कहा कि आप यूएई रेजिडेंट्स को ई वीज़ा पे जापान भेज सकते हो। तो ये ई वीज़ा, इस पर मैं आगे वर्किंग करूँगा कि कैसे ये वीज़ा हम ले सकते हैं अपने क्लाइंट्स फ्राम यूएई।